कैप्टन, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारा प्लेन क्रैश होने वाला है। मेडे मेडे मेडे, क्या कोई सुन रहा है? क्या कोई सुन रहा है? ओह माय गॉड, दोस्तों ये तो एक डरावने सपने जैसा है। कोई भी खैर ऐसा नहीं चाहेगा, पर जब भी हम छोटे थे तो हमारा मन करता था ना कि आसमान में उड़ते हुए प्लेन्स को हम भी उड़ाएं, जंबो जेट को हम भी उड़ाएं। तो खैर आज आप सबका ये सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी गेम के बारे में बताऊंगा जो गेम तो नहीं, उससे ज़्यादा सिमुलेशन है असली प्लेन का। तो उसमें सारी चीज़ें प्लेन वाली ही होती हैं और बहुत आपको, अगर आपको एविएशन में इंटरेस्ट है तो आपको ये गेम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसका नाम है एक्स प्लेन 11। इसकी कीमत की बात करें तो 2899 यानी 3000 रुपये के आसपास गेम है। और इसको आप स्टीम से बाय कर सकते हैं। पूरा का पूरा सिमुलेशन है, पर इसमें आपको जो पीसी है उसकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी हाई चाहिए, थोड़ा हैवी चाहिए है। और चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने पीसी की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको गूगल को खोलना है और यहाँ पर स्टीम लिखना है, और स्टीम में आपको जाना है। स्टीम से आप बहुत सारी पीसी वगैरह की गेम्स बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पर आपका अकाउंट खुल गया है। मैंने ऑलरेडी जो है, अगर आपका साइन इन नहीं है तो पहले आप आईडी बना लीजिए और साइन इन यहाँ पर कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ से आप काफ़ी सारी गेम्स को बाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो भी गेम डाउनलोड करनी है उसका यहाँ पे कीवर्ड डाल दीजिए। जैसे मैंने X11 डाल दिया है तो X-Plane 11 यहाँ पर आ गया है। आप सबसे पहले क्लिक कर लीजिए। इस पर कीमत आप देख सकते हैं 2899 रुपये के आसपास की कीमत है, तकरीबन 3000 हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका गेम के बारे में सारा कुछ बताया गया है, कौन से पीसी को सपोर्ट करेगी, क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, स्क्रीनशॉट, वीडियो सब चलेंगे। यहाँ पे आप गेम की पूरी जानकारी मिलेगी। नीचे कुछ कंटेंट है इस गेम के लिए जो यहाँ पे फ्री मिल रहा है, तो वो भी आपको इस गेम के साथ में मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी प्रॉमिसिंग लग रही है गेम, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और यहाँ पे इस तरीके से पूरा का पूरा इसका मेनू वगैरह आएगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब आपको, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, आपको ऐड टू कार्ड यहाँ पर कर लेना है इसको। तो चलिए हम यहाँ पे ऐड टू कार्ड कर लेते हैं। अब हमें परचेज के लिए जाना है, तो यहाँ पे हमको क्लिक करना पड़ेगा। तो पहले आप साइन इन कर लेना, अगर आपने साइन इन नहीं किया है तो वो जरूरी है। तो परचेज टू पेमेंट, तो यहाँ पे मेरी आईडी डली हुई है, तो मैं अब इसको साइन इन कर लूँगा यहाँ पर। और ये मैंने साइन इन पर क्लिक कर लिया है। ऐड टू कार्ड, ओके। परचेज टू माई सेल्फ, ओके, क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन देनी है। पहले ऊपर आप प्रीपेड वॉलेट देख लीजिए, आप पेटीएम से करना चाहते हैं, कार्ड से करना चाहते हैं, कहीं से भी करना चाहते हैं तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने वॉलेट चेंज कर रखा है क्योंकि मैं पेटीएम से इसकी जो पेमेंट है वो करने वाला हूँ। तो यहाँ पे वॉलेट सिलेक्टेड, आप किसी भी गेम को पेटीएम से खरीद सकते हैं। अभी कोई आप मोबाइल वॉलेट यूज़ करते हैं उसे खरीद सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह डाल दीजिए, फ़ोन नंबर वगैरह, पिन कोड जो भी आप डालना चाहते हैं सारा आप डाल सकते हैं। सॉरी, फ़ोन नंबर आगे डालना है, यहाँ पर ही डालना है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन आगे डाल दीजिए, यहाँ पर ये मेनू यहाँ पर आ जाएगा, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है एग्री करना है आपको यहाँ पर, और उसके बाद जो कंटिन्यू कर देना है इसको, और फिर हम अगले वाले स्टेप की तरफ बढ़ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप अमाउंट वगैरह सारा चेक कर लेना पहले, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। ओके सॉरी, मैं एग्री वाला बटन दबाना भूल गया। ओके ठीक है, तो यहाँ पे अब जो हमारा स्ट्रीम है, ये आपको एक छोटा सा एक और बॉक्स आएगा जिसपे आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अपनी, या फिर सेम उसी को बिलिंग एड्रेस में रख सकते हैं। तो आप उसको चाहे तो एड्रेस कुछ डिफरेंट डालना चाहते हैं कर दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन आ गया कि कौन सा वॉलेट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। काफ़ी सारे वॉलेट है, तो मैं पेटीएम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सबमिट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे अब आपका नंबर मांगता है, नंबर डाल दीजिए। एक OTP आपके फ़ोन पे आएगा, वो डालने के बाद ये पेमेंट आपकी जो है वहाँ पे कट जाएगी। और यहाँ पर इस तरीके से ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करना। अब यहाँ पे आ गया है हमारे पास, हमारा जो गेम है वो डाउनलोड हो चुका है। आप जाइए, डाउनलोड नहीं हुआ सॉरी, वो आ चुका है, खरीद लिया है। अब यहाँ पे लाइब्रेरी में हमारा गेम यहाँ पर आ चुका है, तो सबसे पहले हमें इसे डाउनलोड करना है, पूरा का पूरा गेम डाउनलोड करना है। तो ये हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा पूरा का पूरा। आप साइज वगैरह देख सकते हैं सारा का सारा, तो यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा आपको, डिपेंड ऑन कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है। और जैसे ही ये गेम डाउनलोड हो जाती है, उसके बाद इसका मेनू कुछ इस तरीके का आता है। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, न्यू फ्लाइट, लोड फ्लाइट, फ्लाइट स्कूल सेटिंग। सबसे पहले आपको फ्लाइट स्कूल में जाना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक बताएगा कि कैसे प्लेन को आपको उड़ाना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिमुलेशन पूरे असली प्लेन की तरह है। तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि मुझे इतना नहीं आता अभी, तो मुझे तो खैर स्कूल में जाना ही पड़ेगा, और काफ़ी टाइम लग जाएगा अभी सीखने में। जैसे गेम की शुरुआत होती है, तो शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर गेम की कुछ इस तरीके का मेनू आता है जब फर्स्ट टाइम आप गेम को स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट है यहाँ पर, तो उसका इन्होंने ये बताया हुआ, स्कूल है बेसिकली। जैसे गेम स्टार्ट होती है, सबसे पहले आप इस प्लेन के अंदर आते हैं और यहाँ से आपकी गेम स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बेसिक्स बताए जाएंगे इसकी, प्लेन के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह की 3-4 फ्लाइट्स होंगी आपकी। जैसे ये बता रहा है कि एक्सप्लेन में आपका स्वागत है यहाँ पर, और आप अराउंड में देखिए ऐसे करना है। माउस से आपको हैंडल करनी, इसकी जो भी हैंडलिंग आपको माउस से करनी है, नहीं तो आप इसका कंट्रोलर आता है, स्टिक आती है, वो भी आप खरीद सकते हैं, नेट पर अवेलेबल है वो। तो यहाँ दूसरे प्लेन में भी है, मैंने वह खैर ये जितने भी सेसना वगैरह प्लेन थे ना छोटे वाले, उसी से सिखाते हैं यहाँ पर, वो सारे मैंने क्रैश कर दिए थे। सब कुछ सिखाते हैं आपको लैंडिंग वगैरह करना, पर मैंने सब कुछ क्रैश कर दिया।
अब जब ये करने के बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं फ्लाइट में, तो सेटिंग वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए अपने पीसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये है पावर लेती है ये वाली गेम और काफ़ी टाइम भी लेती है स्टार्ट होने में। तो यहाँ पे जो है क्योंकि असली सिमुलेशन है सारा, न्यू फ्लाइट में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से आपको डिफ़ॉल्ट प्लेन मिलते हैं उसकी सारी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे 3 जंबो जेट मिलते हैं, मैं तो जंबो जेट की उड़ाने वाला हूँ, बाकी प्लेन पर तो मैं ध्यान भी नहीं दूंगा। तो कुछ और प्लेन आपको सेसना वगैरह मिल जाते हैं, पर उनसे आप सीख सकते हैं काफ़ी अच्छे से। नीचे एक हेलीकॉप्टर भी आपको मिलता है, आप काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर प्लेन्स वगैरह उनकी स्किन बहुत कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप डीएलसी से भी कर सकते हैं, इनकी एक वेबसाइट आती है उससे भी आप, काफ़ी फ्री कंटेंट भी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एयरलाइन की क्लास वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने इंजन वाला है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे मैन्युफैक्चर कौन है उसका, स्टूडियो, सब चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई। खैर 3 ही प्लेन है उसमें क्या करना है, खैर कुछ भी ऑप्शन नहीं। यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ एयरक्राफ्ट हैं जो ओल्ड वर्जन के हैं तो वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, तो आप चाहें तो वो भी शो कर सकते हैं उस चीज़ को। अब यहाँ पर अगर आप इस पे कस्टमाइज में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी, वेट बैलेंस वगैरह प्लेन का। तो आप पहले देख लीजिए कौन से कितने इंजन है उस जहाज में, कैसा वो जहाज है, सारी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। सेसना के यहाँ पे काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे देखने को। तो दोस्तों मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो एयरपोर्ट के नाम हैं, तो एयरपोर्ट की बेसिकली एक आईडी होती है, सारी आईडियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आप जो जब भी आप प्लेन में बैठेंगे आपको अपना वो करना रहेगा, तो आपको सिलेक्ट करना है उसे कि कौन से एयरपोर्ट पे आपको जाना है। अब यहाँ पे रनवे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट चाहिए या फिर आपको 3-way चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको मौसम में बदलाव चाहिए, क्लाउड चाहिए, ये सब, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। नीचे टाइम ऑफ डे वगैरह जो भी करना चाहें कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फ्लाइट को और देखते हैं कि कैसा जो है नज़ारा है हमारे प्लेन का। गेम थोड़ा सा चालू होने में टाइम लेती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआत जब होती है तो इस तरह से हम कॉकपिट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माय गॉड कितने सारे बटन मिलेंगे और सारे वर्क करने वाले हैं, बहुत कम है जो वर्क नहीं करते हैं, बाकी सब वर्क करता है। वो सारे के सारे ज़रूरी बटन हैं, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे एनालॉग वगैरह के हिसाब से है। तो यहाँ पे फ्रेम रेट को इतना अच्छा नहीं मिलता है, मैं 4K में प्ले कर रहा हूँ इस गेम को और फ्रेम रेट काफ़ी ड्रॉप है इस पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पावर लेती है ये वाली गेम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माय गॉड कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है ये, बहुत रियलिस्टिक है। तो दोस्तों आसपास आप देखोगे तो आपको लगेगा ग्राफिक इतने अच्छे नहीं है, पेड़ पौधों का इतना वो, पर प्लेन बहुत अच्छा है। यहाँ पर सीटें भी आप देख सकते हैं आपको नजर आएंगी, जो इंजन तो देखो ऐसा लग रहा है कि रियलिस्टिक में प्लेन ही खड़ा हुआ है, यहाँ पे असली प्लेन खड़ा है। तो मतलब बहुत यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉकपिट देख सकते हैं बाहर से जूम करके, और अंदर यहाँ पर आप अंदर भी जूम कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइड में क्या कुछ है, पूरा का पूरा कॉकपिट का आपको नज़ारा मिलेगा। और यहाँ पर आप ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं कितने सारे बटन सब वर्किंग हैं और पूरी तरीके से जैसे जंबो जेट स्टार्ट होता है वैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं नहीं करने वाला हूँ, मुझे आता भी नहीं है, अभी सीखना पड़ेगा, काफ़ी सीखना पड़ता है दोस्तों इस चीज़ को, क्योंकि एक प्लेन आपको उड़ाना है और वो प्रॉपर तरीके से उड़ाना है आपको, सब चीज़ करनी है। यहाँ पे खैर आप ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये वाला टॉगल है, फ्लैप का टॉगल है यहाँ पे, इसको वो करना है। यहाँ मैनुअल दिया रहता है कि आपको क्या क्या करना है, फ्लाइट मैनुअल रहता है यहाँ पर, उस हिसाब से आप चल सकते हैं। और ये ब्रेकिंग वगैरह के लिए है, ब्रेक को मैं अगर मैं यहाँ पे रिलीज करता हूँ तो यहाँ पे प्लेन मेरा थोड़ा सा आगे को बढ़ता है, वो मतलब ब्रेकें हट जाती हैं उसकी, और जब आप जो उसको आगे थोटल देंगे तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ने लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको देता हूँ, रिलीज करता हूँ, तो एक तरह से एक्सीलेटर की तरह है। माय गॉड साइड में चला जा रहा है प्लेन मेरा, तो इसको रोकना है। ये हमारा जो है पूरा का पूरा जैसे एक कार में हैंडल काम करता है, वैसे ही हमारा फ्लाइट में ये चीज़ जो है काम करता है। तो इस तरीके से हमें प्लेन को कंट्रोल करना है, सीधा वैसा ही करना है जैसे प्लेन में करना होता है। तो हमारा जितना भी प्लेन है उसको राइट एंड लेफ्ट लेके जाना है, हम इसी से कंट्रोल करते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं माउस से कंट्रोल कर रहा हूँ, माउस से आप कंट्रोल करते हैं, कीबोर्ड से भी मे बी शायद होता हो, पर मुझे अभी मालूम नहीं है कीबोर्ड से कैसे करना है, मैंने सेटिंग वगैरह अभी ज़्यादा नहीं देखी है। हमारा प्लेन जो है वो रनिंग हमें आ गया है। और दोस्तों शुरू में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे मुझे लग रहा है मैं क्रैश कर देता हूँ हमेशा, तो एकदम से नहीं आएगा आपको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें इसके अंदर। ओह माय गॉड, तो आप देख सकते हैं इस तरह से क्या प्लेन कभी नहीं उड़ाना चाहिए, काफ़ी रिस्की है। तो यहाँ पे प्लेन हमारा बढ़ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ जी का बटन दबाता हूँ, तो इससे क्या होता है कि हमारा जी शायद जी था मेरे ख्याल से, वो दबाता हूँ, इससे प्लेन हमारा जो है वो रुक जाएगा, ब्रेक लग जाएंगी। और F1 दबाने से क्या होता है कि आपकी जो स्पीड है एक्सेलेरेशन की वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो मैंने F1 और मैंने जो ब्रेक है उनको दोनों को दबा दिया है, तो प्लेन हमारा यहाँ पे रुक गया है। हम दोबारा से रिलीज़ करते हैं इसकी टोटल को और यहाँ पर हम आगे और बढ़ेंगे, तो देखते हैं कि हम दोबारा से इसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ, मे भी यहाँ देखते हैं ये स्विच ऑन हो गए, मुझे तो पता भी नहीं कि क्या काम करते हैं क्या नहीं। मैंने जब मैंने वीडियो बनाया था, ज़्यादा डिफ़ॉल्ट था, मतलब मैंने डाउनलोड करने के बाद सेम आपके लिए बना दिया, तो ज़्यादा चीज़ें मैंने अभी सीखी नहीं है, थोड़ा थोड़ा चीज़ें कि मुझे पता नहीं अभी, तो बेसिक मैंने देखे थे यहाँ पर। माय गॉड प्लेन हमारा उड़ रहा है शायद, ओ माय गॉड आगे जाके हम टकराने वाले हैं, माय गॉड। तो दोस्तों इस तरीके से हम टकरा सकते हैं कहीं भी, तो आपको बहुत ध्यान रखना है, मेरी जैसी वेव को पे मत करना, माय गॉड। हाँ जगह ठीक है, तो हमारा प्लेन जो है कुछ इस तरीके से निकल आया है यहाँ पर।
ओके मेडे मेडे मेडे, यहाँ पे हमारे प्लेन की क्रैश लैंडिंग होने वाली है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो आवाज़ है ना इतना ज़्यादा रियलिस्टिक है, मतलब आपको लगता है इतनी जोरदार है, और जो जो इतना कॉम्पोनेंट है उसकी जो आवाज़ आती है इतनी रियलिस्टिक है। जब मतलब करने गेम के अगर मैं सीधी जो आवाज़ आती है उतनी तेज थी, पहले घर वाले सोचते पता नहीं क्या हो गया इसके, मतलब सिस्टम में मतलब इतनी तेज़ आवाज़ क्यों आ रही है, तो मतलब इतनी रियलिस्टिक आवाज़ आती है। तो यहाँ पर मैं दोबारा उसको वो कर लिया है, रुक लिया है, तो दोबारा कोशिश करेंगे एक बार उड़ाने की, तो मे भी शायद उड़ जाए अब की बार। तो जब भी आप प्लेन उड़ाते हैं तो बेसिकली हमें हर चीज़ प्रॉपर तरीके से करनी पड़ती है, डेस्टिनेशन चुननी है, फिर हमें यहाँ पे हर चीज़ प्रॉपर ही होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको जो आपका ATA है उससे भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तो फ्लाइट कंट्रोलर है कि आपको उड़ना है कहाँ जाना है उनसे क्लियरेंस लेना पड़ता है। अभी मैं हवाई अड्डे पर नहीं उड़ा रहा हूँ, नॉर्मली मैंने ये इस जगह पर उड़ा रहा हूँ, आप हवाई अड्डे से भी शुरुआत कर सकते हैं, वो हर जगह के हवाई अड्डे आपको यहाँ मिल जाएंगे और वहाँ की सीनरी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। माय गॉड हमारा प्लेन उड़ गया, आप देख सकते हैं, और मुझे पता कि ओके तो इस तरीके से माय गॉड मेडे मेडे मेडे। तो मेडे क्यों बोला जाता है, तो आपको पता जब मतलब प्लेन में जब भी इस तरह की हालत में होता है तो मेडे शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओह माय गॉड लगता है हम भी क्रैश होने वाले हैं बहुत बुरे तरीके से। ओके तो आप देख सकते हैं कि ऐसा जबरदस्त धमाका होता है मतलब प्लेन गिरने के बाद। तो आसपास के ग्राफिक आपको शायद इतने अच्छे नहीं लगेंगे जैसे आप पेड़ पौधों में देख सकते हैं, बट जो प्लेन के ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है तो आप देख सकते हैं। पर प्लेन जब ऊपर पहुँचता है ना दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। एक तो मुझे इस गेम में ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब कभी कभी इसके जो फ्रेम रेट है बढ़ जाते हैं, कभी अपने आप कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जंबो जेट उड़ाने वाला हूँ, खैर ये वाला आप देख सकते हैं, माय गॉड। आप मौसम को भी चेंज कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पायलट बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हम उड़ान भरने वाले हैं अपनी। काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी रियलिस्टिक प्लेन है ये वाला भी। पर खैर होना क्या था, आपको पहले जब चलाना ना आता हो तो मैंने इसको भी क्रैश कर दिया, बादलों के बीच से हम उड़े और नीले आसमान की तरफ बढ़ चले, माय गॉड शेर व शायरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लेन जो हमारा ये भी ज़्यादा देर टिका नहीं और गोल गोल घूमता हुआ क्रैश हो गया, मतलब लाइट जल रही थी मैंने अंदर की तरफ। ओके मेडे तो ये भी गया हमारा। उसके बाद मैंने नासा के प्लेन को भी नहीं छोड़ा, उसको भी क्रैश कर डाला, तो नासा का प्लेन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके वो भी गया। ओके तो आप देखते हो नासा का प्लेन कितनी जबरदस्त तरीके से क्रैश हुआ, अभी आप देखना कैसा स्लो मोशन होगा, माय गॉड एकदम रियलिस्टिक लग रहा है ना दोस्तों, जबरदस्त, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई मूवी चल रही हो, तो इतने ज़बरदस्त ग्राफिक्स हैं सिमुलेटर्स के। हाँ बस आसपास की चीज़ों के नहीं है इसके ज़रूर हैं। तो उसके बाद ये वाला तो बहुत ज़बरदस्त था दोस्तों, ये वाला प्लेन जो मैंने किया अमेरिकन एयरलाइनर, तो यार ये भी मतलब मैंने पहले ऑलरेडी संभाल लिया था इसको, पर उसके बाद जो है कंट्रोल मेरे हाथ से छूट गया और ये प्रॉपरली मतलब पता नहीं क्या हो गया यार, और ये क्रैश हो गया, काफ़ी बुरे तरीके से क्रैश हुआ था ये वाला भी। तो आप देख सकते हैं कि डिटेल देखिए यार कितनी ज़बरदस्त मतलब आ रही है, वो लाइटिंग देख रहे हैं आप जैसे बिल्कुल रियलिस्टिक ही प्लेन हो, मतलब कई बार हम वीडियो देखते हैं तो समझ नहीं आता रियलिस्टिक है या फिर गेम चल रही है। ओके तो यहाँ पे हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, शुक्र है मेरे पास हज़ार जिंदगियाँ बाकी हैं। तो यहाँ पे भी क्रैश हो गया। अब दोस्तों ये वाला जो प्लेन है ये काफ़ी फनी तरीके से क्रैश हुआ मुझसे, एक्चुअली मैंने उल्टे सीधे बटन दबा दिया, मैंने पावर ही कट ऑफ कर दिया, अंदर से मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, तो यहाँ पे लाइट ही चली गई सारे के सारे कंसोल्स की और इंजन इसके बंद हो गए, तो यानी कि बिल्कुल शांति छा गई और पूरी तरीके से प्लेन जो है इस तरह से होने लग गया। माइक और वाइपर भी चला दिए मैंने, सारे बटन दबा दिए थे मैंने उल्टे सीधे, वो प्लेन को पता नहीं क्या हो गया। यहाँ इंजन जब बंद होते हैं इतनी हज़ार फुट की ऊंचाई पे तो डर लगा कि किस तरह से प्लेन क्रैश होता है। तो हर चीज़ दोस्तों इस गेम के अंदर बिल्कुल रियलिस्टिक होती है और आपको काफ़ी मज़ा आएगा, जो लोग खैर एयरलाइन वो चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कुछ सीखना, मेरे मुझे लगता है आप अच्छे से सीख जाएंगे तो हम प्लेन को भी उड़ा सकते हैं शायद। हाँ हाँ ऐसा हो सकता है यार, सिमुलेशन तो कर ही सकते हैं ना, यहाँ असली को भी उड़ा सकते हैं अगर मौका मिल जाए तो। मैं हमेशा से करना चाहता था इसलिए मैंने इस गेम को परचेस किया, काफ़ी टाइम से लेना चाहता था। तो खैर ये वाला लास्ट वाला भी प्लेन गया। तो दोस्तों खैर ये थी हमारी वीडियो आज एक्सप्लेन 11 के ऊपर, आगे इसकी काफ़ी सारी थीम्स वगैरह भी आती हैं, काफ़ी सारे आगे प्लेन्स आते हैं जिन्हें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो खैर इनकी जो भी प्लेन्स की वीडियोज होंगी वो मेरे टेकएमएम गेमिंग चैनल पे ऊपर आपको देखने को मिलेंगी। तो उस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, प्लीज़ आपको करना चाहिए ना, इतनी सी काम नहीं कर सकते मेरे लिए, उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते प्लीज़, तो आप प्लीज़ जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको काफ़ी सारी गेमिंग की वीडियोज डिफरेंट डिफरेंट आपको वहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। एंड थैंक यू मेरी पिछली दो वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए। और घर में रहना, सेफ रहना, ज़्यादा चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, और बाहर कोई डॉगी मिले तो उसे खाना दे देना, कोई हेल्पफुल उसकी मदद कर देना, और घर में रहना। थैंक यू वेरी मच मेरी इतनी वीडियो देखने के लिए, कोई गलती होगी तो बता देना, कमेंट ज़रूर करना, बहुत ज़रूरी है, वीडियो को शेयर जरूर करना, नहीं करेंगे तो मुझे इतने व्यूज़ नहीं आएंगे दोस्तों, प्लीज़ ज़रूरी है समझना। तो ठीक है दोस्तों, मुलाकात होगी जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।